26 से 29 अगस्त तक रहेंगे यूपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अयोध्या भी जाएंगे। आगरा में शहीद के परिवार का आगरा प्रशासन पर फूटा गुस्सा, पुलवामा में शहीद की पत्नी को थाने में ले गई पुलिस। फतेहपुर में सपाइयों का प्रदर्शन, आजम खां की रिहाई के लिए प्रदर्शन। मौलाना खालिद रशीद का बयान, कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाएंगे मोहर्रम। आप सांसद संजय सिंह का योगी सरकार पर आरोप, जल मिशन योजना में हुआ घोटाला। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं लेकर हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की खास खबरें। रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खां और उनके बेटे की रिहाई के लिए सपाइयों ने प्रदर्शन किया। सपाइयों ने दैयापुर में ससुर खरीदी नदी पर पुल बनाने को लेकर और पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ी हुई कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। महिला उत्पीड़न मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए किसानों के खिलाफ काला कानून वापस लेने जैसे सपाइयों का मुद्दा रहा। इन्हीं सारे विरोध के मुद्दों को लेकर सपाइयों ने ससुर खरीदी नदी में अर्धनग्न होकर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। फतेहपुर जनपद में इस समय अन्ना गौवंशों की भरमार है, जिससे ये अन्ना गौवंश किसानों की फसल चौपट कर रहे हैं, जिसको लेकर अब किसान परेशान है और उन्हें अपने पेट की चिंता सताने लगी है। बता दें कि योगी सरकार द्वारा अन्न गौवंशों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद सरकार द्वारा ये वादा किया गया था कि अन्ना गौवंश की रोकथाम के लिए जगह जगह गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन यमुना पट्टी के कई इलाके ऐसे हैं जहां आज तक गौशालाओं का निर्माण नहीं कराया गया है। वहीं इसको लेकर उप जिलाधिकारी को भी इससे अवगत कराया गया है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने मामले में संज्ञान नहीं लिया। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी पर भी आरोप लगाते हुए बताया कि खंड विकास अधिकारी के पास भी शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन खंड विकास अधिकारी ने भी ये कहकर मामले को टाल दिया कि ग्राम प्रधान को बोलकर निर्माण कार्य करा दिया जाएगा। वहीं इसको लेकर अब किसान मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सीएम से गुहार लगाएंगे। हाँ, जानवर जो है बाहर के भी ला करके छोड़े गए हैं और गांव के लोग बांध नहीं रहे हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण गांव की सारी जमीन परती पड़ी हुई है। हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे जब कुछ नहीं हो रहा। आप नेता और राज्यसभा सांसद का बड़ा बयान और आरोप लगाया गया है। यूपी में योगी बाबा के राज में लगभग 30,000 करोड़ का जल मिशन रोजगार योजना में घोटाला हुआ है। योगी के करीबी मंत्री महेंद्र सिंह ने 30,000 करोड़ का घोटाला किया है, ये आरोप संजय सिंह द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और भ्रष्टाचार क्या है, मैं एक एक करके बता रहा हूं। एक कंपनी है रश्मि मेटेलिक्स, जिस कंपनी को जल जीवन मिशन में जहां पर हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई होनी है, वो हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का काम दिया गया। रश्मि मेटेलिक्स ये जो कंपनी है, इसका नाम याद रखिए, ये रश्मि मेटेलिक कंपनी उड़ीसा में घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट हो जाती है। उड़ीसा की सरकार घटिया पाइप के कारण इस रश्मि मेटेलिक को रिजेक्ट करती है। इस रश्मि मेटेलिक कंपनी को मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार के कारण, घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटेलिक कंपनी को वेस्ट बंगाल की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है, ब्लैकलिस्टेड करती है। रश्मि मेटेलिक कंपनी को झारखंड की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटेलिक कंपनी को पंजाब की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है। रश्मि मेटेलिक कंपनी को हिमाचल की सरकार घटिया पाइप के कारण रिजेक्ट करती है।
देश में शहीदों के सम्मान में तत्कालिक घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उन पर अमल सालों तक नहीं होता। ऐसा ही कुछ पुलवामा में कौशल रावत की शहादत के साथ भी हुआ। हद तो तब हो गई जब घोषणाओं पर अमल में देरी की शिकायत लेकर शहीद कौशल रावत की पत्नी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची, तो उन्हें सीएम योगी से मिलाने के बजाय यूपी पुलिस थाने ले गई, जिसके बाद शहीद के परिवार का आगरा प्रशासन पर जमकर गुस्सा फूटा। शहीद की पत्नी का कहना है कि प्रशासन ने जबरन हमारी गाड़ी मोबाइल छीन लिया और महिला थाना में बैठा दिया गया। आज मैं गई थी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया तो वहाँ हमको उठा के नहीं, और साथ में पुलिस वाले हमारी गाड़ी में बैठ गए और अपनी गाड़ी में ले जाके हमको थाने पहुँचा दिया। जबरन जबरदस्ती पकड़ के ले गए थे, और 10 मिनट तक उन्होंने हमको वहाँ थाने में रखा। 10 मिनट के बाद जब मैंने वहाँ पे मतलब सवाल जवाब किए, तो उन्होंने वहाँ से हमको सर्कस हाउस भिजवा दिया। सर्कस हाउस में बैठा के नहीं बोले मिलवाएंगे। शाम को 4:30 बजे वो हमको एयरपोर्ट पे ले गए। एयरपोर्ट पे ले जाने के बाद 2-3 घंटे हमको वहाँ गाड़ी में रखा, और मुख्यमंत्री जी चले गए, लेकिन हमको फिर भी नहीं मिलवाया वहाँ पे। और DM इतना निकम्मा है जिसका जवाब नहीं है। सर, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने गए थे अपना समझ के कि हमारे हित में कुछ बोलेंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ। हमें ऐसे ट्रीट किया गया, हमारे घर से ही हमारे घर पे पुलिस वाले आ गए, 2 कांस्टेबल आ गई, मेरी माता जी को धक्का दे रही हैं, आप ना जाइए, हमारी गाड़ी के सामने खड़े हो गए पुलिस वाले। हमें आगे तक नहीं बढ़ा, हम फिर उसके बाद पैदल चलना चालू किया। हमारे को भी गाड़ी में स्टक कर दिया गया, हमारी गाड़ी में हमें बंद कर दिया गया। मम्मी की 2 महिला कांस्टेबल बैठा दिया, हमें बाहर भी नहीं निकलने दिया। वहाँ के बाद हम वहाँ पहुँचे उनके जहाँ पर ताज विलास करके कोई जगह थी, जहाँ पर इनका कोई फंक्शन था, वहाँ पहुँचे। वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरा ऐसे इकट्ठा हुआ जैसे हम कोई अपराधी हैं। हमारा जबकि कहना ये था सर, बस मिलना चाहते हैं, अपनी कुछ बातें हैं वो रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के आगे। हमें सर ऐसे ट्रीट किया गया, मुझे और मेरी माँ को सफल आउट कर दिया गया। मेरी माँ को अलग गाड़ी में पुलिस वाले बैठा के ले जा रहे हैं, और मुझे लखनऊ में मौलाना खालिक रशीद फिरंगी महली का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुहर्रम कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। फिरंगी महली इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने कोरोना को देखते हुए जलसे भी रद्द कर दिए हैं। इस साल ऑनलाइन जलसे होंगे, और क्या कुछ कहा उन्होंने और किस तरह से अपील की है, आइए आपको सुनाते हैं। मुहर्रम का चांद इस साल 9 अगस्त 2021 को इंशाल्लाह देखा जाएगा। अगर चांद नजर आ जाता है तो मुहर्रम का महीना 10 अगस्त से शुरू होगा, वरना 11 अगस्त को मुहर्रम की पहली तारीख होगी। इस मौके पर भी आप तमाम हजरात से यही अपील है कि क्योंकि अभी कोविड प्रोटोकॉल लागू है और कोविड के केसेस में एक बार फिर से इजाफा हो रहा है और तीसरी लहर का दस्तक दे चुकी है, इस वजह से कोविड प्रोटोकॉल पर पूरी तरीके से हमें और आपको सभी को अमल करना है, और इस सिलसिले में कहीं पर भी भीड़ जमा नहीं करनी है। और हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में जो पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जलसे होते थे, उनको मुलतवी कर दिया गया है, और ये कोई भी फिजिकल जलसे नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये जलसे ऑनलाइन ही ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसी तरीके से एक मीनारा मस्जिद अकबरी गेट लखनऊ पर भी जो तारीखी जलसे होते हैं, वो भी फिजिकल जलसे ना हो करके बल्कि सिर्फ ऑनलाइन इंशाल्लाह जलसे होंगे। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि मुहर्रम के इस महीने में भी कहीं पर कोई भी भीड़ ना जमा करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और हर तरीके से अमन व अमान। सहारनपुर के थाना गंगोह इलाके में एक ऐसा गांव है जहां कोई तालाब ही नहीं है, जिससे जल संचयन के साथ साथ गाँव में जल निकासी की भी समस्या बनी हुई है। अपनी इस ही समस्या को दूर करने को लेकर ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई, लेकिन ग्रामीणों को मदद न मिलने पर खुद आत्मनिर्भर बनते हुए ग्रामवासियों ने अपने खर्च पर गांव में तालाब बनाने का निर्णय लिया। इसी के चलते ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा किया और ग्राम प्रधान के सहयोग से जमा हुए 3 लाख रुपए देकर गाँव के ही लोगों ने तालाब के निर्माण के लिए जमीन खरीदी, लेकिन जिससे जमीन खरीदी गई उसी ने लालच के चलते ग्राम समाज को भूमि देने से मना कर दिया और ग्रामवासियों के पैसे भी नहीं लौटाए। आजमगढ़ के बरदाह थाना क्षेत्र के मार्टिनगंज सराय मोहन मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, वहीं बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि घायल बदमाश के ऊपर पुलिस की तरफ से 25,000 का इनाम घोषित था। बरदाह
वर्धा पुलिस द्वारा जब रात में चेकिंग की जा रही थी तो एक शातिर बदमाश जो कि वर्धा थाने का एसटी सीटर भी है और वर्धा थाने के एक मुकदमे में 18 से वांछित चल रहा था जिसकी तलाशी की गई थी, पर तलाशी के बाद वो अभियुक्त फरार था। साथ ही ये शातिर अभियुक्त जो है मध्य प्रदेश की 2 डकैती और हत्या में भी वांछित चल रहा है। 2018 जौनपुर में खेतासराय थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक ट्रक में 24 गौवंश और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस ने संदिग्ध ट्रक को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस द्वारा घेराबंदी कर 12 मोड़ के पास ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, जहां पर ट्रक धीमी करके ट्रक से कूदकर गौ तस्करों ने भागने का प्रयास किया। वहीं पुलिस और गौ तस्करों के बीच फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें एक गौ तस्कर घायल हो गया है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा रात्रि में एक विशेष अभियान चलाया गया अपराधियों के विरुद्ध। इस अभियान के क्रम में थाना खेतासराय पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। एक ट्रक जिसमें 24 गोवंश ले रहे थे बिहार तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस पार्टी के द्वारा रोकने पे उसमें ट्रक में जो लदे बदमाश थे उसमें से 3 बदमाशों ने पुलिस पार्टी पे फायर किया। एक बदमाश जवाबी फायर पे घायल हो गया, जिसमें एक सिपाही भी घायल है। इसमें से 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। अभियुक्तों के कब्जे से एक तमंचा, कुछ कारतूस, एक ट्रक और 24। महाराजगंज जनपद की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बाइक लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लुटेरों के पास से लूट की गई बाइक, मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में एक प्रेस वार्ता कर अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटिया ने बताया कि 20 जुलाई को घुगली थाना क्षेत्र में अपने क्लिनिक से घर जा रहे एक स्वास्थ्य कर्मी को पहले से घात लगाकर लुटेरों ने रोककर मारपीट करते हुए अपाचे बाइक, मोबाइल और जेब में रखी नकदी लूटकर फरार हो गए। तो पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। बता दें कि 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने अपाचे बाइक, मोबाइल और नकदी लूटने की कोशिश की थी। ये देखिए, दिनांक 20 जुलाई को डॉक्टर राम प्रताप निवासी घुगली अपने क्लिनिक से अपने गांव जा रहे थे, तो वहां पर रात्रि में करीब 9 बजे 3 लुटेरों ने इनकी मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट लिया। तो इस घटना का मुकदमा पंजीकृत करके अनावरण हेतु क्राइम ब्रांच की टीम लगी थी, यशो घुगली की टीम लगी थी। इसमें 3 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया, उनके पास से वही मोटरसाइकिल बरामद हुई। और एक प्रतापगढ़ के अंतु थाना इलाके के सिंगली पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश भाग रहे थे, जिसमें सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के पास से चोरी की बाइक और तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। 2 व्यक्ति पल्सर से आ रहे थे जिनको रुकवाने का प्रयास किया गया, परंतु वे नहीं रुके। जब संदिग्ध लगने की दशा में उनका पीछा किया गया, फिर यहाँ सिंगनी पुल के पास में भी पूर्व में भी 2 सिपाही और दरोगा लगे हुए थे, जिनके द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के उपरांत जो है उन लोगों ने फायरिंग कर दी पुलिस पार्टी पर, जिसमें जवाबी कार्रवाई में 1 व्यक्ति को गोली लगी है। इस पर संग्रामपुर थाने में लगभग 7 मुकदमे, थाना कोतवाली नगर का भी 1 मुकदमा, मानधाता और अंतु, मतलब कुल मिला के 4 थाने इसमें। सहारनपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां थाना बेहट और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक मर्डर हिस्ट्री का सुलझाने में सफलता मिली है। साथ ही हत्या में शामिल 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद किया है। SP देहात अतुल शर्मा ने घटना का अनावरण करते हुए बताया कि दुकान खाली कराने को लेकर विवाद के चलते गांव के ही रहने वाले वकील और उसके साथियों को 80,000 रुपये देकर हत्या कराई गई थी। ये थाना बेहट क्षेत्र में गांव पड़ता है खिड़का बटका हुआ, वहाँ पर ये फरवरी माह की ये घटना है, जिसमें गांव के ही एक फैयाज नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें टीमें गठित कर और इसके अनावरण के लिए तुरंत प्रयास किया गया था, जिसमें कि हमारी थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस और स्पेशल टीम ये सब लगी हुई थी। और इसका आज हम लोगों ने इसका अनावरण किया है, जिसमें कि 3 व्यक्ति जो है इसमें हम लोगों ने अनावरण किए हैं, जिसमें ये निकल कर आया है कि इसका जो ये फैयाज था, इसका एक
तबरेज़ नाम के व्यक्ति से कुछ रंजिश चल रही थी उसकी दुकान को लेकर। वो इस दुकान को खाली करवाना चाहता था और कुछ जो चुनावी रंजिश थी जिसके जिसमें ये फैयाज जो है बाकी लोगों को। यूपी में चुनाव की आहार देखी जा रही है, सभी सियासी दल अपने अपने पैतरे आजमा रहे हैं। कोई जातीय जनगणना की बात कर रहा है तो कोई कोरोना की दीवार बनाकर लोगों का दिल जीतना चाह रहा है। वहीं छोटे दल भी किंग मेकर की भूमिका निभाने में कहीं से भी पीछे नहीं दिखाई दे रहे। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसको लेकर क्या कुछ सरगर्मियां बनी हुई हैं उस पर एक नजर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। यूपी की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जहां पहले से एक्शन मोड में है, वहीं सूबे के बाकी राजनीतिक दल सपा और बसपा भी पूरे दमखम के साथ वोटरों को रिझाने और अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले में साइकिल रैली के बाद समाजवादी पार्टी ने भी छोटे दलों के साथ गठबंधन की शुरुआत कर दी है। सपा ने चुनाव पूर्व गठबंधन की शुरुआत महान दल के साथ की है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर में महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान अखिलेश यादव और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य मौजूद रहे। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में सक्रिय महान दल अपनी बड़ी ताकत होने का दावा करती है। महान दल के साथ हुए आयोजन में महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अपने समर्थकों को नया चुनावी नारा देते हुए कहा, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों को और धार दे रही है। लगातार दिग्गज नेताओं का जमावड़ा यूपी में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो केंद्र की कैबिनेट अब कुछ दिन में यूपी में दिखाई देने लगेगी। और हो भी क्यों ना, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जो गुजरता है। बीजेपी ने अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाकर जीत का मंत्र दिया था। वहीं अब जेपी नड्डा ने एक नई चुनावी चाल चली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है बीजेपी 2 लाख गांवों में 4 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स को खड़ा करेगी जो डॉक्टर्स की मदद करेंगे। पार्टी कोई भी हो, पैतरे सभी आजमा रहे हैं। कभी कोई पार्टी ब्राह्मण की बात करती है तो कभी पिछड़ों को साधने की बातें की जाती हैं। वहीं सत्तासीन बीजेपी सबका साथ सबके विकास के साथ आगे बढ़ रही है और चुनावी तैयारियों को और धार देने में जुटी हुई है। देखना अहम होगा कि जिस मुंगेरी लाल के सपने पार्टियां देख रही हैं, क्या उनके सपने पूरे होंगे, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने की चाबी इस वक्त जनता के पास है और जनता किसका साथ देती है ये वक्त पर पता चल ही जाएगा। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी।